इस बैट्समैन इनके पास बहुत ही ऊंचा शॉट, सीधा छक्का, वाओ वाओ वाओ, ग्रेट बैटिंग जीशान, लवली फुल लेंथ यॉर्कर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बना लिया आगा, आगे वाला बॉल बनाया और उठा के फेंक दिया बाउंड्री से बाहर। क्या खूबसूरत बैटिंग करते हैं ये, हर मैच में इस बच्चे ने कमाल की बैटिंग की है। एक बार को फिर सामना करेंगे यहाँ पे, एक रन मुकम्मल होगा यहाँ पे, उम्दा बॉलिंग मोहम्मद सलमान की, यहाँ एक खूबसूरत बॉलिंग करते हुए यंग टैलेंट है, बिल्कुल छोटी सी उम्र है, अभी 16-17 साल की है, लेकिन टैलेंट बेशुमार है। सारे लोग तारीफ कर रहे हैं कि वाकई मुल्तान के पास टैलेंट है, न्यू टैलेंट है, इमर्जिंग टैलेंट है, लेकिन आज इस बड़े फाइनल में टैलेंट को यूटिलाइज करने की जरूरत है, पूरा टैलेंट इस्तेमाल करना होगा। एक बड़ी टीम के खिलाफ आपका मैच है, ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत बड़ी मछलियां इस वक्त ये करीब से मौजूद है, ये कुछ भी कर सकती है, शिकार करना होगा आपको इनका। व्हाइट बॉल ऑफ स्टंप पे कैच लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए यहां पे सलमान, एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन ताहर भी आज काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। सुबह बता रहे थे कि महबूब भाई सुबह मैंने कमाल की नहीं खेली, लेकिन शाम मैंने उससे भी कमाल कर देना है, देखते हैं अब। लेकिन यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं सलमान, वसीम बॉबी समझाने के लिए आए अपने बॉलर को, बहुत ही अच्छी कप्तानी करते हैं सुबह, उन्होंने बहुत कमाल की कैप्टेंसी की, 134 रन का टारगेट दिया 6 ओवर में पेशावर जर्मी के अगेंस्ट, और अपनी बॉलिंग लाइन को यूज करते हुए बिल्कुल ब्लॉक कर दिया पेशावर जर्मी को। सामना करेंगे ताहर, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही खूबसूरत तेज शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट ताहर का, 4 रन के लिए खेला। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत है यहां पे सलमान को, अच्छा शॉट था, बॉल अच्छा था, लेकिन पिक जल्दी कर गए और लेग पे 4 के लिए खेला गेम, ओह माय गुडनेस, लेकिन यहां पे फिर वाइड किया, एक्स्ट्रा पे कंट्रोल करने की जरूरत है सलमान को। आपको ये चीज जेहन में रखनी चाहिए कि इससे पहले मैंने बहुत अच्छे ओवर किए हैं और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो चुका है, उसी कॉन्फिडेंस को लेके आगे चले, उसको इस्तेमाल करें, आप बाहर बॉलर हैं जिसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो समझदारी से बॉलिंग करने की यहां पे जरूरत है बॉलर को। सामना करेंगे ताहर, हाय 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 हाय, लवली, क्या ही खूबसूरत छक्का है, थोड़ा सा हल्का सा कदमों का इस्तेमाल किया और मिडॉन के ऊपर से खेला 6 रन के लिए, थैंक यू। जी जी, हाय हाय हाय, लवली यार, जाइटेंटिक सिक्स, मैसिव हिट बाय मोहम्मद जीशान, लवली पीस ऑफ बैटिंग इज बीइंग डन बाय जीशान सफदर ओवर हियर इन दिस सिडनी ग्रासी ग्राउंड, अ लॉट ऑफ पीपल, मैनी पीपल आर वॉचिंग दिस big panel which is going to be played between Multan Sultans and Karachi Kings. ek par kabir sahab ne jaane ball karne ki koshish, lekin yahan pe beat hue, acha ball tha dr manip ka, akal mandi se yahan pe bowling karne ki zarurat hai Multan Sultans ko, Karachi Kings ki bowling strength ko bhi aapko zehen mein rakhna hoga, inke paas bowling bhi bahut achhi hai, ye dono bowlers bhi hain ki jo bhi batting kar rahi hai, ye behtareen all rounder hai Karachi Kings ke, dr manip samna karega zeeshan, हवा में खेलते उड़ने का खतरा, नीचे है फील्डर और क्या पकड़ लिया, ओह माय गुडनेस, व्हाट अ कैच, व्हाट अ विकेट, बहुत बड़ा धचका कराची किंग्स को, दूसरे ओवर में विकेट गवा दी कराची किंग्स ने, बहुत बड़े प्लेयर जीशान जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, काफी उम्मीदें थी कराची किंग्स को, बहुत ही कमाल की बॉलिंग और उतनी ही कमाल की फील्डिंग सुल्तान्स की तरफ से, बहुत ज्यादा फैन हो गए हैं यहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स के, कराची के भी फैंस काफी नजर आए, काफी लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, हौसला अफजाई की, दाद दी,
और शाह स्पोर्ट्स वाले जो है स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले हमें बता रहे हैं कि मैं बुरे वाला से आया हूँ, इतना क्राउड मैंने आज तक किसी ग्राउंड में नहीं देखा जितना इस 545 के ग्रासी ग्राउंड में, स्पेशली ये बुरे वाला से आए हैं इस बड़े फाइनल को देखने के लिए। सामना करेंगे ताहा, हवा में खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे मिलेंगे दो रन के लिए खेला, 30 रन हो चुके हैं अभी तक, दूसरे ओवर का खेल जारी है अच्छी रन रेट के साथ। और सबसे बड़े मजे की बात यह है कि ताहर भाई स्टूडेंट स्पोर्ट्स के बैट के साथ खेल रहे हैं, इन्होंने स्पॉन्सर किया था, हवा में खेलने की कोशिश लेकिन फिर मिला दुक्का, 2 रन के लिए खेल रहे हैं। प्रांटेड अच्छी है, स्टूडेंट स्पोर्ट्स का बैट इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे मोहम्मद ताहर शाहद स्टूडेंट स्पोर्ट्स का, इस बैट की शाहद भाई हर बंदे ने तारीफ की है, बहुत अच्छा बैट था, शायद आपने एक वीडियो भी देखी हो कल, इत्तेजा भाई ने वो स्टेटस लगाया हुआ था, तो जितनी भी तारीफ की जाए इस बैट की कम है, बहुत लाइक करते हैं आपकी सामान को, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत अच्छी होती है वो। एक बार फिर सामना करेंगे ताहर सजावल का, बहुत ही क्लेवर बॉलिंग और इस तरह वर्का हुआ खात्मा, स्कोर बताएंगे अली हैट है, 32 रन हो चुके हैं जी, 32 रन 2 ओवर के अख्ताम पे कराची किंग्स का बढ़ता हुआ स्कोर 32, 16 की रन रेट के साथ खेल रहे हैं, 16 की औसत के साथ ये बारी, ये बल्लेबाजी बड़ी ही अकलमंदी से जा रही, अच्छी रन रेट है, स्कोर की रन रेट बहुत ही अच्छी जा रही है। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं सलमान, लेकिन यहां पे एक और नया बैट्समैन आ गया, लंबे कद का है, लिंडन सीमंस की तरह खेलता है, वेस्ट इंडीज के ओपनर है, बहुत लंबे कद के और लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, आबद बेबी, सामना करेंगे सलमान का, हवा में खेला और लेके नीचे है फील्डर, पुअर फील्डिंग, और यहां पे मिले 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कराची किंग्स की तरफ से जारी, शायकीन ने क्रिकेट को काफी नजरों से बैट्समैनों की शॉट्स को एंजॉय करते हुए, बॉलर्स की अच्छी बॉल्स को एंजॉय करते हुए, यहां पे बहुत ही अच्छा शॉट और यहां पे फिर मिले 4 रन, क्या ही खूबसूरत 4 रन मिलेंगे यहां पे, 4 रन इजाज का इशारा, 4 रन मिलेंगे, लगातार 2 चौके लगा दिए हैं, सेवंस की तरह बैटिंग करते हैं, लंबे कट के हैं आबद जट, आज लंबी इनिंग खेलने की जरूरत है आबद भाई आपको, अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर मनीफ की काफी फॉर्म लगी हुई है, सजावल भी काफी फॉर्म में है, तो आपको बड़ी समझदारी से बल्लेबाजी करना होगी यहाँ पे। ओह माय गुडनेस, व्हाट अ क्लासिकल शॉट, मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए खेला और स्लैप की खूबसूरत चंडमारी, बहुत ही उमदा शॉट, एग्रेसिवली खेलते हुए यहाँ पे कराची किंग्स के बैट्समैन, काफी कॉन्फिडेंस दिया ताहर ने यहां पे अपने बैट्समैनों को, वेल डन, गुड फील्डिंग सलमान, ब्यूटी, निहायत ही खूबसूरत फील्डिंग का मुजाहरा किया यहां पे, और यकीनन 4 रन हो सकते थे, काफी तेज था शॉट, एंगल को जरूरत को चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे बॉलर को, क्योंकि काफी लंबे कद के बॉलर हैं, मालिक है ये बैट्समैन, थप्पा लगने वाली बॉल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही है, ओह माय गॉडनेस, स्ट्रेट ब्लैक सिक्स, स्ट्रेट सिक्स, वाओ वाओ वाओ, वेल वेल वेल, यू ब्यूटी यार, लवली बैटिंग बाय आप, बिलाल जाट और साजू इनामात देने के लिए आबद बेबी को क्रीज की तरफ रमा दमा, आबद भाई को इनाम देने के लिए आ चुके हैं आजाद साजू, उन्होंने पहले भी काफी इनामात दिए हैं सुबह, कल भी उन्होंने काफी हौसला अफजाई की, बिलाल जाट और दोनों ने 100 रुपए दिए हैं, 200 रुपए दिए हैं आबद जाट को, अगर हौसला अफजाई की बात की जाए तो 540 के लोग हमेशा तामन करते हैं, खूबसूरत बॉल और इस तरह ओवर का हुआ खात्मा, एजाज का इशारा, ओवर, 52 रन हो चुके हैं जी,
बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, 3 ओवर में 52, बड़ी अच्छी औसत के साथ ये बारियां ले रहे हैं कराची वाले। जिशान के आउट होने का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ कराची किंग्स को, एक से एक बढ़ के बैट्समैन है कराची के पास। ये लाइव भी कवरेज भी आपको दी जा रही है ओवरसीज पाकिस्तानी को, फेसबुक पेजेस पे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स पे। इस लीग के ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, जिनमें सबसे बड़ा हाथ वसीम बोबी, मोहम्मद ताहर, इरफान चट्ठा और उमर राइन का है, जिन्होंने इस लीग को कामयाब करवाने में अपना अहम करदार अदा किया। सामना करेंगे ताहर सजावल का, और यहां पे देखना होगा अंपायर का इशारा, अंपायर का फैसला देखना होगा। ले जी छक्का, सीधा छक्का फाइनल के ऊपर से 6 बार दिया ताहर, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन। कैरन पोलार्ड वाला स्टाइल बनाया हुआ है आज उन्होंने, बिल्कुल हल्का सा फ्लिक करते हैं और बॉल 120 की स्पीड से बाउंड्री से बाहर जाती है। कैरन पोलार्ड में शुरू भी बता रहा था, कैरन पोलार्ड ने कुछ 1-2 महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ लगातार 6 छक्के जड़े हैं और कमाल के सिक्सेस लगाए हैं। एक मरतबा फिर सामना करेंगे ताहर, फिर से सर जोड़नी है मुल्तान सुल्तान वालों ने कि ये बड़ी मछली है, इसका शिकार ना किया तो ये तो बहुत तंग करेगा हमें। यहाँ पे समझाते हुए वसीम बोबी अपने बॉलर्स को, थोड़ी पेस लाने की जरूरत है, एंगल को चेंज करने की जरूरत है। सामना करेंगे ताहर, Oh my goodness, lovely shot, great batting यार, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए, बहुत ही कमाल की बैटिंग ताहर की, बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे। इमरान खान वाली बात पे जो है वो उन्होंने खूब अमल किया है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो इन्होंने सुबह ही कह दिया था कि महबूब भाई सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और मेरी बैटिंग देखनी है, और वही काम हुआ। अब लाल जाट ने फिर 100 रुपए दिए हैं इनाम मोहम्मद ताहर को। हाजी मोहम्मद जुवेद जाट साहब, सुबह उन्होंने काफी तामन किया और अभी फिर 100 रुपए दिए हैं मोहम्मद ताहर को। सुबह उन्होंने 3,000 रुपए दिए हैं कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के प्लेयर्स को। न्यूट्रल होके जो लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जुवेद जाट साहब, हाजी मोहम्मद अशरफ जैदी साहब, अफजल चकना, आदिल डुड्डी, अफजाल डुड्डी और भी दीगर साथी खूब हौसला अफजाई कर रहे हैं यहाँ पे तमाम प्लेयर्स की। कराची दिन, कराची का गाना सुनिए और लुत्फअंदोज होइए। सामना करेंगे ताहर, लवली शॉट, जाइगेंटिक सिक्स आउट ऑफ द पार्क। मेरे ख्याल से ये पीएसएल का सबसे ऊंचा और लंबा छक्का होगा। वाह कैरन पोलार्ड, वाह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, किसी भी बॉलर को खातर में ना लाते हुए एग्रेसिव बैटिंग जारहाना अंदाज से खेलते हुए छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, वाह जी वाह, लवली बैटिंग बाय मोहम्मद ताहर। नौमी खुश है, आ जा इधर रोहित शर्मा।
तेरी बैटिंग देखने के लिए बेताब है, मान चाहे ना मान, लेकिन फिर आज बॉलें उठानी पड़ेंगी क्योंकि ताहर बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रहे। गुरीला फोर्स को तंग कर रहे हैं, छक्के पे छक्का लगा रहे हैं यहाँ पे। ओ स्लो डिलीवरी और लेकिन फिर वाइड हो गया, स्लो का फायदा नहीं हुआ यहाँ पे वेरिएशन का। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ताहर फ्रंट से लीड कर रहे हैं। सुबह भी उन्होंने बहुत ही कमाल की इनिंग खेली और मैच का पांसा पलट दिया। इश्तियाक नोमी को वेलकम कहती हैं। हवा में खेला, नीचे फील्डर आउट होने का खतरा और यहां पे देख रहे हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और अब हो गया चौका, अब हो गया है चौका। इजाज का इशारा चार रन, बहुत ही उम्दा बैटिंग करते हुए, कमाल की बल्लेबाजी, लवली बैटिंग बाय मोहम्मद ताहर। हम आने वाले तमाम मोजेस मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं, स्पेशली शाहद भाई स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले और उसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद इर्तजा फौजिया वाला से, उनको भी वेलकम करते हैं। लंबा छक्का, यार क्या बैटिंग है, क्या बैटिंग है यार आपकी, हाय 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 हाय, मजा करा दिया। पैसे पूरे कर दिए हैं शायकीन के, टिकटों के पैसे पूरे कर दिए आज ताहर ने, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, लवली बैटिंग यार। इर्तजा भाई को खुश आमदीद कहते हैं इस ग्रासी ग्राउंड आने पे, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मोहम्मद इर्तजा को वेलकम कहते हैं। स्कोर बताएंगे नहीं है पर। सर घबराने की जरूरत नहीं है, 87 रन हो चुके हैं, 87 रन हो चुके हैं, कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बैटिंग, छक्के पे छक्का जड़ रही है ताहर यहाँ पे। वाह यार ग्रेट बैटिंग, ये बच्चों को बाहर ले आए तारक भाई, मुल्तान वालों ने फिर सर जोड़ लिए हैं और यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो गई है। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को जो दूसरे गांव से, पूरे वाला से और दूसरे सिटी से आए हुए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन कोरोना की सिचुएशन में लोग बोर हो रहे हैं घरों पे, तो ये एक अच्छा मेला सजाया गया है यहाँ पे लोगों को लुत्फंदोज करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए। मास्क भी पहने, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें, हुकूमती SOPs को भी फॉलो करें और क्रिकेट को भी इंजॉय करें। ले जी ताहर का सिर्फ एक रन बाकी है 50 होने में, दूसरी 50 होगी ताहर की इस टूर्नामेंट में। डॉक्टर मुनीब शॉट अच्छा नहीं है, वाइड से स्टार्ट किया डॉक्टर मुनीब ने, इजाज का इशारा वाइड बॉल। ताहर का सिर्फ एक स्कोर बाकी है अपनी 50 मुकम्मल करने में, ये दूसरी मुसलसल 50 होगी ताहर की अगर ये एक रन मुकम्मल कर लेती है। सामना करेंगे आप अचट डॉक्टर मुनीब का, ओ माय गुडनेस, लवली बैटिंग, क्या ही खूबसूरत बल्लेबाजी करते हुए ये दोनों सेट बैट्समैन, छक्के पे छक्का, छक्के के सिवा बात ही नहीं कर रही है। वाह जी वाह, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी जा रही है कराची किंग्स की तरफ से। यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मुल्तान सुल्तान के बॉलर्स को कि कैसे इनको रोका जाए, ये तो जारहियत के साथ, एग्रेशन के साथ ये तो हमारी खूब पटाई कर रहे हैं, बिल्कुल भी आसरा नहीं कर रहे, ये नहीं समझ रहे कि यार हम गांव के ही हैं और पूरा गांव देखने आया है। फाइनल मैच है सर, हमारे खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे देखना होगा, दो रन के लिए यकीनन दौड़ेंगे लेकिन अंपायर का फैसला देखना होगा। यहाँ पे बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, फुल टॉस बॉल था, तेज था बॉल लेकिन पिक नहीं कर पाया बच्चन और आई थिंक हवा में बॉल रह गई अभी तक, दरख्त के ऊपर है बॉल। दूसरा बॉल इस्तेमाल कर ले, दो रन दे दें और दूसरा बॉल इस्तेमाल करवा ले। सबसे पहले हम इरफान चक्खा को कमेंट्री बॉक्स आने पे खुश आमदीद कहते हैं और कल की तरह एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है इनकी कि जो बैट्समैन छक्का लगाएगा 10-30 है और जो बंदा
जो बॉलर आउट करेगा विकेट लेगा उसको भी 100 रुपए, विकेट लिए ये छक्का लगाए 100 रुपए 10 भी वसूल करें 588। कल भी इन्होंने काफी हौसला अफजाई की अपने तमाम गांव के प्लेयर्स की, तो बिल्कुल ये तारीफ के मुस्तहिक हैं, हौसला अफजाई करते हैं हमेशा की तरह तमाम प्लेयर्स का। दूसरा बॉल इस्तेमाल कर ले यार, कोई बच्चा उतार लेता है, कराची वालों दूसरा बॉल दे दो यार। A lot of people who are watching, who are seeing, who came over here in order to watch such a big final which is going to be played between Multan Sultans and Karachi Kings. Laga ke wings. बहुत ही खूबसूरत बैटिंग जारी। म्यूजिक चला दो ऑन कर। ताहर बिल्कुल 50 के करीब है, लेकिन आबद भी खूब पटाई कर रहे हैं। आबद ने अभी तक चौके और छक्के लगाए हैं सारे, चौके और छक्के के सिवा सर बात ही नहीं की। बहुत कमाल की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे तमाम। थैंक यू शरीफ भाई। सामना करेंगे आप डॉक्टर मुनीब का, एक मरतबा फिर आए हैं उल्टोस करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया इजाज का इशारा, वाइट बॉल, अंपायरिंग के फ्राई सारा अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद सादक और इजाज पिशावर जख्मी के सीनियर प्लेयर्स थे दोनों, सुबह उन्होंने कमाल की इनिंग खेली इजाज ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच लूज कर दिया। और यहाँ पे बहुत ही उमदा बॉल है, अच्छा बॉल था डॉक्टर मनीप का, बिल्कुल भी समझ ना पाए, और इस तरह से बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान वाले जी वो भी हौसला देते हुए अपने बॉलर्स को अच्छी कप्तानी करते हुए यहाँ पे लास्ट रन भी हवा में खेला। पीछे है फील्डर, यहाँ पे देखना होगा, बहुत ही बढ़िया कैच, बच्चे ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा और एक बहुत बड़े प्लेयर का शिकार किया, पवेलियन लौटा दिया, क्या ही खूबसूरत कैच है यार। वेल्डन एक सेट बैट्समैन को आउट कर दिया यहाँ पे डॉक्टर मुनीब ने, देखते हैं नए बल्लेबाज कौन होंगे। ले जी वही है नया बल्लेबाज जिसका सबको इंतजार है, विकास बिल्ला, बहुत फैन है इसके, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई कमाल की इनिंग नहीं खेली और इनको चांस भी नहीं मिला, लेकिन आज इनको चांस मिला है, देखते हैं आज कितनी बड़ी इनिंग खेलते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छे बैट्समैन है, यूनुस खान वाला स्टाइल है इनका, लेकिन यूनुस खान वाली शॉटें नहीं चाहिए यहाँ पे, बहुत ही कमाल की बैटिंग करने की जरूरत है। सामना करेंगे ताहर डॉक्टर मुनीब का, हवा में खेले और यहाँ पे सीधा छक्का, फ्लैट सिक्स, ये होता है फ्लैट सिक्स, और 50 कंप्लीट है, ताहर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत बढ़िया इनिंग, यू ब्यूटी बिलाजट की तरफ से इनाम, ये दूसरी मुसलसल 50 बनाई है ताहर ने, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ताहर कैप्टन कराची किंग्स के। सुबह भी इन्होंने 68 रन की नाकामयाब किस दिन खेली थी और अपनी टीम को एक बहुत ही अहम मैच जितवाया, और अभी भी बहुत ही कमाल की बैटिंग करते हुए यहाँ पे। Oh my goodness, lovely batting, लंबा छक्का, root six, long, 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 boom, boom, boom। इरफान जट्ठा ने मुसलसल 300 रुपए दे दिए, पहले 100 डॉक्टर मुनीब को दिया आउट करने पे और 200 दो छक्के लगाने पे ताहर को, छक्का लगाएं 100 रुपए वसूल करें, विकेट लें 100 रुपए वसूल करें, सीधा हिसाब, कोई उधार नहीं, स्कोर बताएंगे नहीं है कर। ले जी मुल्तान वालों आपको क्रॉस कर दिया है, 109 रन कर दिए कराची किंग्स ने 5 ओवर में, वाह यार कमाल की बैटिंग की है। ले जी ट्रॉफी हमारे सामने आ चुकी है, अब तमाम प्लेयर्स का हौसला बढ़ जाना चाहिए, इनामात बिल्कुल हमारे पास पहुंच चुके हैं, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। सामना करेंगे विकास बिल्ला, ओह
हवा में खेलने की कोशिश थी, कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उनको पता है कि आखिरी ओवर है, डेथ ओवर है, लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट है 543 का। सुबह भी उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की, सलमान शहरयार और फहद ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग की अभी तक इन बच्चों ने, तीनों बच्चों ने, लेकिन देखते हैं आज ये आखिरी ओवर कैसा फिनिश करते हैं और कितना अच्छा तरीके से फिनिश करते हैं। एक बार तो फिर सामना करेंगे तहार यहाँ पे फहद का और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, स्लो डिलीवरी घुटने के साथ टेक के साथ छक्का लगाने की कोशिश यूनुस खान वाली शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पे नाकामी हुई ताहर को। सलो बॉल था फहद का, एक बार तो फिर सामना करेंगे फहद का, यहाँ पे ताहर और इजाज का इशारा वाइड बॉल, लेग स्टंप पे वाइड हुआ, अंपायरिंग के फैसले सर अंजाम दे रहे हैं मोहम्मद सादिक और मोहम्मद इजाज। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की आज, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए कराची किंग्स ने, इससे पहले बहुत ही अच्छी बॉलिंग यार, ब्यूटी वेल डन, बहुत वेल डन, नाइस पीस ऑफ बॉलिंग, वेल डन बच्चे। इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में इस तरह की लीग में न्यू टैलेंट को, जो हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, उभरते हुए स्टार्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको चांस दिया जाता है और वो अपना 100% दे रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस गांव के लिए। हवा में खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पे मिले दो रन के लिए खेला ताहर ने, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की आज ताहर ने। ये तमाम इनामात खोना चाह रहे हैं तमाम दूसरे प्लेयर से, क्योंकि अभी तक सबसे टॉप स्कोरर इजाज हैं इस टूर्नामेंट के। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, लेकिन यहां पे फिर मिला हुआ है, टुक टुक से डर लगता है, बूम बूम लाला। एक बार पर फिर सामना करेंगे मोहम्मद ताहर फहद का, कदमों का इस्तेमाल और मुकम्मल नाकाम हुए, मुकम्मल नाकाम हुए, वेल बॉल यार, बहुत ही कमाल बॉलिंग फहद की। हिम्मत मरता मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मुल्तान सुल्तान के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो राउंड मैचेस में बॉल मैचेस से बाहर हो जाएगी और आपके सामने आज ये फाइनल खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, दो शॉट का हल्का, और यहाँ पे देखना होगा बॉल को ना पकड़े यार शाइकीन, और यहाँ पे चार रन दे दिए यहाँ पे, और इस तरह लगा ये चौका और इनका हो गया खात्मा। स्कोर बोर्ड के पास चलते हैं कि क्या सिचुएशन है, 119 रन का टारगेट दिया है, बहुत बड़ा टारगेट है यार, कमाल की इनिंग की है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कराची किंग के बैट्समैनों की तरफ से, लेकिन यहां पे सुबह 124 भी मारा है, 123 रन की कमाल इनिंग खेली है मुल्तान सुल्तान ने पटाई करवाई लेकिन अपना रिकॉर्ड जाया होने दिया, 119 रन की इनिंग खेली है कराची। बहुत बड़ा टारगेट है जी, बहुत कमाल की, और मैं आपको बताता